नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जनपद पंचायत करकेली ग्राम पंचायत नरवार नवीन के सभी सरपंच, सचिव, पंचगण, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सभी ग्रामीण जन, महिला एवं पुरुषों ने मिलकर अपने गांव के बीच बने तालाब के चारों तरफ साफ सफाई करते हुए उन्होंने कहा कि हम अपने गांव की साफ सफाई के लिए हमेशा श्रमदान करती रहेंगी। हमें भी बड़ी खुशी होती है कि हमारा पूरा गांव साफ सुथरा रहेगा, जिससे हमारे गांव में किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो सकेगी और सभी लोग स्वस्थ और अच्छे से रहें। हम सभी लाडली बहनें एवं गांव के लोग स्वच्छता मिशन के तहत इस कार्य का संकल्प लेती हैं कि हमेशा हम अपने गांव में साफ सफाई करने का श्रमदान हमेशा करती रहेंगी। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोग सरपंच श्रीमती आशा साहू, संतोष साहू, सचिन शेषमणि कुशवाहा, विसरती लक्ष्मीबाई, संगीता बाई, नानबाई, सुशील बर्मन, मंगल यादव, अवध राज सिंह, विनोद साहू, श्रीचंद कोल, शिव कुमार सैकड़ों की संख्या में बढ़ चढ़ कर साफ सफाई श्रमदान का कार्य किया और स्वच्छता भारत मिशन का संदेश दिया। हाँ, मेरी गांव की लाडली बहनें आपके लिए शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी हर प्रकार के हर समस्याओं के निदान के लिए आप लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जो स्वच्छता भारत मिशन जो आज 1 अक्टूबर को लागू किया गया है, इस पर माताएं बहनें आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा गांव स्वच्छ रहे और साफ रहे, सुथरा रहे, अच्छा हमारा गली गांव अच्छा साफ सुथरा रहे, इसलिए हम सब सहयोग कर रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? संतोष साहू। स्वच्छता भारत मिशन के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं गांव की जनता को? जैसे कि सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है कि स्वच्छ भारत मिशन, हमारा भारत कचरे से मुक्त हो, चारों तरफ स्वच्छता रहे, खुशहाली रहे। इसी तारतम्य में मैं अपने ग्रामीणों से आग्रह किया कि आज सब लोग तालाब के में हनुमान जी मंदिर में अपना श्रमदान दे करके अपने गांव को स्वच्छता की ओर और आने वाली पीढ़ी को प्रेरित करेंगे, और उसी में सब लोगों का भरकस सहयोग रहा और लगभग यहां 80 से 90 लोग मेरे साथ श्रमदान कर रहे हैं। मैं आप सबका